कारों को लेकर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रही है। इस दौरान शहर में चेकिंग और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव बीरपुर बरायर उर्फ खरक में उस समय हड़कंप मच गया जब मुरादाबाद से खाद्य विभाग की 3 गाड़ी भरकर बीरपुर बरायर उर्फ खरक में छापेमारी करने गांव में पहुंची। गांव के अंदर टीम को देखकर पूरे गांव के अंदर परचूनी का सामान बेचने वाले दुकानदारी भी अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग गए। खाद्य विभाग के अधिकारियों को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि खामानी और जगदीश के यहाँ पर बड़ी मात्रा में मावा पनीर देशी घी डालडा और रिफाइंड बनाया जा रहा है जिसकी बड़ी मात्रा में क्षेत्र और मुरादाबाद जनपद में सप्लाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम को सूखा पाउडर डालडा घी रिफाइंड से मावा घी तैयार करते हुए इन मिलावटखोरों को पकड़ लिया और मावा घी पनीर के सैंपल भरकर खाद्य विभाग की टीम अपने साथ ले गई। खाद्य विभाग के डीओ विनोद कुमार जो कि टीम का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने बताया कि इन लोगों का विभाग द्वारा मावा बनाने में लाइसेंस दे रखा था लेकिन यह लोग लाइसेंस की आड़ में नकली मावा देसी घी पनीर बनाने की शिकायतें रोज मिल रही थी जिस पर पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए और लोगों के स्वास्थ्य और नजदीकी दीपावली के त्योहार पर इन मिलावटी खाद्य पदार्थों की सप्लाई ना हो सके इसलिए छोटी से छोटी सूचना पर भी खाद्य विभाग की टीम क्षेत्र में पूरी तरह से चेकिंग कर रही है। यहाँ पर भी छापेमारी के दौरान नकली मावा देसी घी पनीर बनाने का सामान मिला है जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बेसिकली ये लोग दूध से मावा बनाने का काम करते हैं और इसी के लिए विभाग द्वारा इनको लाइसेंस भी दिया गया है लेकिन इधर ये शिकायत आ रही थी कि ये दूध में जो है पाउडर और वनस्पति मिला के मावा तैयार कर रहे हैं तो आज यहाँ पे करीब 10-12 खाद कारोबार करता है उनका सघन निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि ये लोग वनस्पति से मावा तैयार कर रहे हैं और पाउडर का भी सारा ले रहे हैं तो सारे नमूनों की जांच के लिए हम लोग प्रयोगशाला भेज रहे हैं और जो वहाँ से रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सर कितना माल जब्त किया गया है या अभी सैंपलिंग ही हुई है? अभी सैंपलिंग हुई है सैंपलिंग की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम आगे की कार्रवाई फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत करेंगे। सर कितने अधिकारी जिला स्तर से मौजूद थे? यहाँ पे SDM साहब थे अनिल सिंह थे और हमारे विभाग के खास सुरक्षा अधिकारी थे मुरा पांडे शक्ति सिंह जी से और पूरा पुलिस बल मुरा पांडे थाने का तैनात था और हम लोग चाहते हैं जल्दी इनकी एक हम लोग वक्त साहब भी आवेदन करेंगे ताकि इनको ये बताया जा सके कि इस तरह की शिकायतें जो आ रही हैं उसका कैसे वो निस्तारण करें। क्या क्या मौके पे रिफाइंड या डालडा मौके पे मिला है? हाँ वनस्पति मिला हुआ है उसका भी हम लोगों ने नमूना लिया है और जाँच के बाद जो भी आएगी रिपोर्ट उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।